तो भाई साहब अब हम पहुंच गए हैं हॉस्टल में, और ये है हॉस्टल दयानंद सागर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ मेडिकल साइंस कॉलेज। और ये पूरे स्टेडियम की तरह बनाया है भाई, सीट वीट लगा के। हमको लगता है यहाँ पे एरो स्पेस इंजीनियरिंग का ब्लॉक है। रियल प्लेन रख दिया है, फाइटर प्लेन। आज हम जा रहे हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज पे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये पूछ रहे थे कि भाई कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, और बताओ कि भाई कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बेटर है, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, वहाँ पे फ़ीस कितना होता है। आजकल जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो अभी हम आए हैं अपने एक दोस्त के पीजी पे, और इसका पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो ये मेरा दोस्त है अमर, इसी के साथ हम लोग चलेंगे। अभी चलते हैं हम लोग। कौन सा कॉलेज जाने वाले हैं? दयानंद सागर। ये बताओ, तुमको पता है दयानंद सागर के बारे में? नहीं, हमको नहीं पता है दयानंद सागर के बारे में। असल में हम लोग अभी कॉलेज को एक्सप्लोर करना शुरू किए हैं काफ़ी, मतलब एक डेढ़ साल से। बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो पूछते हैं कि भैया कॉलेज में, किस कॉलेज में एडमिशन लें। आप जैसा कि जानते हो कि साउथ बेंगलोर खास करके स्पेशल है कॉलेजेस के लिए, एजुकेशन सेक्टर में लोग इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, MBBS हो गया, नर्सिंग हो गया। तो काफ़ी लोग का हमारा व्लॉग देखते हैं कि भैया आप लोग बेंगलोर में ही रहते हो, तो बताओ कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, या कौन से कॉलेज अच्छा है, बेटर है, टॉप का कौन सा है, या क्या क्या फ़ीस होने वाला है। तो यहाँ पर हम नहीं बता पाते, हमें अच्छा नहीं लगता। तो अब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। अब कुछ आने वाले व्लॉग्स में हम काफ़ी कॉलेजेस को कवर करेंगे, और आप जब भी पूछेंगे कि आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, आपने कौन सी पढ़ाई की, आगे क्या करना है, तो उसमें हम आपको अच्छा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कॉलेजेस के बारे में। अब तक तो हम आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते थे और थोड़ा जॉब में हेल्प करते थे, लेकिन अब जो भी आता है कॉलेज में भी हम आपको एडमिशन दिला देंगे ईजिली, और वहाँ भी कुछ डिस्काउंट देखेंगे, अगर होता है तो आपको ज़रूर डिस्काउंट भी दिलाएंगे। चलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई ये हमारा चैनल नहीं, आप सबका चैनल है, तो आपसे रिलेटेड, आपके ज़रूरत से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है हम यहाँ पे दिखाने का कोशिश करते हैं। और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वही हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल आपके लिए ज़रूर से हेल्पफुल होगा। आपके लिए नहीं होगा तो आपके फ्रेंड के लिए तो ज़रूर से होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। वैसे आने वाले टाइम में और भी बहुत बढ़िया बढ़िया और दूर दूर पे कॉलेजेस होता है, तो इसलिए जाना मुश्किल होता है, लेकिन हम जल्दी जल्दी लाने का कोशिश करेंगे वीडियो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दयानंद सागर कॉलेज में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही है दयानंद सागर कॉलेज। सबसे पहले हमने पी लिया है भाई गन्ने का जूस। बहुत ज़्यादा गर्मी है बेंगलोर में, धूप एकदम खतरनाक वाला है। आपको थोड़ा सा मैं लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पे है दयानंद सागर कॉलेज। ये है दयानंद सागर कॉलेज, सामने आपको दिख रहा होगा। अभी अंदर ले करके चलते हैं, और अंदर से भी आपको थोड़ा सा हम कैंपस दिखाएंगे। तो भाई हम लोग कॉलेज के अंदर आ गए हैं, और ये है पूरा पार्किंग एरिया, बहुत बड़ा सा पार्किंग एरिया है। अभी चल रहे हैं हम लोग एडमिशन डिपार्टमेंट के साइड में। ये पूरा कॉलेज है, कैंपस भी हम थोड़ा थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे। गार्ड बहुत ज़्यादा है तो भाई वीडियो बनाने में तो प्रॉब्लम होता है। तुमको कैसा लगा शकील, फर्स्ट इम्प्रेशन? बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से तो, जैसा कि हम जिस इस कॉलेज से पढ़ के निकले थे उससे अच्छा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जो शकील भाई बता, आप कौन सा कॉलेज से पढ़े हैं? विनायका मिशन। विनायका मिशन कॉलेज से। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु से। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। शानदार है ये सब, पूरा का पूरा कॉलेज का ही है। इस साइड भी पूरा कॉलेज का ही है, इस साइड भी है, इसके पीछे भी है, काफ़ी बड़ा सा है। हमको लगता है यहाँ पे एरो स्पेस इंजीनियरिंग का ब्लॉक है। रियल प्लेन रख दिया है, फाइटर प्लेन। ट्रेनर एयरक्राफ्ट है।
यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है स्पेसिफिकेशन। ये देखिए भाई, ये सब सिखाया जाता है कॉलेज में, पूरा रियल प्लेन रखा है। जगह इसमें बहुत है, हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कहीं कहीं अपना ग्रुप बना के बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। पेड़ पौधा इतना ज़्यादा है कि पूरा एकदम हरियाली, ग्रीनरी, आराम से कहीं भी बैठिए, धूप का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो भैया फाइनली इंक्वायरी करके आ गए हैं, और ये देखो भाई कॉलेज का कैंपस। अभी लंच का टाइम हो गया तो सब लोग इधर उधर बैठे हुए लंच वंच कर रहे हैं, और हम लोग एडमिशन ब्लॉक से इंक्वायरी करके फुल आए हैं क्या फ़ीस होने वाला है। ख़ास करके जो हमने पूछा है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारा नया नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो पूरा फीस वगैरह जो भी है वो हम आगे बताते हैं। थोड़ा सा और अभी घूम लेते हैं, हॉस्टल के साइड में चलते हैं। बिल्डिंग बना हुआ है सामने, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, काफ़ी मस्त कॉलेज है। इसका टोटल 3 ब्रांच है ना शकील? हाँ, टोटल 3 कैंपस है। 3 कैंपस है, एक तो दूसरा कैंपस, ये तो मिड सिटी में हो गया। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फीस इसी का है, कनकपुर रोड पे बताया, कनकपुर रोड। और तीसरा जो है अगोरा, बड़ा है, आरोहली, ऑलमोस्ट यहाँ से 40 किलोमीटर से, वो 130 एकड़ में है। ये जो है ये 30 एकड़ में है, हाँ। वो 130 में है। अब देख रहे हो कितना ह्यूज है, वो ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन दिस इज़ इन हार्ट ऑफ बैंगलोर, मिड बैंगलोर की सिटी में है, बैंगलोर की सिटी में है। और सबसे ज़्यादा फीस भी इसी का है, फीस भी इसी का सबसे ज़्यादा है। भाई आप 40 किलोमीटर दूर वाले में जाते हैं, वो थोड़ा सा टाउन एरिया हो जाएगा, वहाँ फीस कम होगा काफ़ी, लेकिन वो काफ़ी बड़ा कॉलेज है। बहुत सा नया कोर्स इंट्रोड्यूस हो गया, पहले हमारे टाइम में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब आ गया, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सब हमारे टाइम में नहीं हुआ करता था। हमारे टाइम में 2 कोर्स थे, CSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, लेकिन अब 8 से 10 कोर्सेज हमें यहाँ पे नए मिले। वो साइबर सिक्योरिटी भी था, वही साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड और मशीन लर्निंग, मतलब बहुत से नए कोर्सेज हैं। और फीस अभी कम है, जैसे जैसे ये एडमिशन क्लोज होने लगता है फीस इसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाता है, जितना कम सीट उतना ज़्यादा फीस, और फीस के साथ आप जानते हैं कुछ और भी देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉक, डिपार्टमेंट ऑफ ECTC, IT, ML, ARC एंड MCA, VTU से एफिलिएटेड। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, ये ऑटोनोमस कॉलेज है। VTU से आपको सिर्फ डिग्री मिलती है, लेकिन जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कोर्सेज हैं, जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हो, वो इनका होगा, क्योंकि ये ऑटोनोमस कॉलेज है। यहाँ मेडिकल साइंस कॉलेज, और ये पूरे स्टेडियम की तरह बनाया है भाई, सीट वीट लगा के। वहाँ देखिए बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, पूरा एकदम स्टेडियम की तरह बनाया है। और सामने देखो अभी हम पहाड़ से उतर के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब लोग वहाँ से कैंटीन से खाना लेते हैं, आकर के बीच में पहाड़ों में जंगलों में बैठ करके खाते हैं। थोड़ा सा झील वील भी बना देता ना, तो लगता है कि कहाँ नेचर के बीच में आ गए, नदियाँ, बरसात में झील बन ही जाता होगा थोड़ा बहुत। तो सबका अलग अलग बिल्डिंग बना हुआ है, सबका अलग अलग ब्लॉक है, इलेक्ट्रिकल वालों का अलग, मैकेनिकल, सिविल का हमने दिखाया अलग है, IT का हमने दिखाया अलग है, इलेक्ट्रिकल का भी आपको दिखाया, ये BCom उसमें का है। क्या लिखा हुआ, दयानंद सागर इवनिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। अच्छा वो आर्ट्स एंड कॉमर्स हो गया। यहाँ पे पैरा मेडिकल साइंस है, उसमें दोनों हैं, एक में पैरा मेडिकल साइंस है एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स भी है। नहीं मुझे लगता है डिफरेंट हो रहा है, इधर दूसरा ब्लॉक है, इधर दूसरा ब्लॉक है। तो भाई ये देखो अभी हम पहुँचे हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्लॉक पे, उसकी बिल्डिंग देखिए। इतिहास गवाह है, जो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी बिल्डिंग होती है, कोने में कहीं दबी हुई, वही सिविल इंजीनियरिंग ब्लॉक होता है, और वही मैंने किया है। ये देखो ये सिविल इंजीनियरिंग ब्लॉक, एकदम छोटा सा, अभी आपको हमने दिखाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, ये सबका ब्लॉक दिखाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। इसकी भी बड़ी बिल्डिंग होगी, हो सकता है बगल में, लेकिन ये पुरानी वाली जो सबसे बिल्डिंग है ना, वो सिविल दे दिया। अभी तो नहीं होगा, अभी तो हमको लगता है बस यही होगा। नहीं ऐसा नहीं है भाई, बहुत पुराना कॉलेज है, ये भी बड़ा है, लेकिन थोड़ा पुराना वाला फील आ जाता है सिविल वाले में कि भाई हाँ मिस्त्री। तो भाई साहब अब हम पहुँच गए हैं हॉस्टल में, और ये है हॉस्टल दयानंद सागर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज का। दोनों साइड रूम है, काफ़ी बड़ा सा हॉस्टल है। अभी जो है ना मेंटेनेंस का काम चल रहा है हॉस्टल में,
और आपको रूम दिखाते हैं, रूम खाली ही पड़ा हुआ है, तो हम आपको दिखा देंगे इसलिए। ये देखिए, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ऐसा रूम मिलेंगे, ये फोर शेयरिंग है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, काफ़ी हाइट भी है, बेड भी अच्छा है, सबको एक पर्सनल टेबल दिया गया है। ऑफकोर्स आप पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे, और इसमें सामान रख सकते हो खींच के, डेस्क भी इसी में है, काफ़ी जगह बच गया उससे, और बड़ा सा। लेकिन सामान रखने के लिए हमको लगता है कि कबर्ड दे देना चाहिए। जब हम कॉलेज में थे तो हम क्या करते थे, अपने हॉस्टल में कई लड़के होते थे तो काफ़ी रात वात में सब पूरा शर्फ और पानी मिला के लॉबी में ऐसे गिरा देते थे, पूरा भर देते थे, और उसमें स्लिप करके यहाँ से वहाँ तक उतना लंबा लंबा स्लिप करके जाते थे। तो ये देख के मुझे वही याद आ रहा है। और हमारा जो फ्लोर था ना, वो सीमेंट का था लेकिन प्लेन वाला था, यहाँ तो टाइल्स लगा, इस पर स्लिप करेंगे तो क्या हाल होगा, कितना मज़ा आएगा। यहाँ से स्लिप करेंगे वहाँ पर जा करके रुकेंगे। हॉस्टल में एक कॉमन है, वाटर फाइट, बहुत फाइट होता है, वाटर फाइट। अरे मज़ा आता था, वही सब तो यादें हैं। ये इधर वॉशरूम आ गया, ये मेंटेनेंस में है, इसको फिर से अच्छे से बना रहे हैं, रेनोवेट कर रहा है, रेनोवेट कर रहा है। ऐसा लगता है पहाड़ से उतर रहे हैं, नीचे नीचे ही जाते जा रहे हैं। हाँ। यहाँ के स्टूडेंट डेली ट्रैकिंग करते होंगे। डेली ट्रैकिंग अगर एक बार ऊपर नीचे कर लिए ना तो फील आ जाता होगा। तो भैया करीब करीब 2-3 घंटे से हम लोग घूम घूम करके थक गए हैं। थक गए हैं, और जूस वूस भी पी लिया है। तो अभी हमारे सामने मेन हॉस्टल दिख रहा है, ये देखिए बहुत बड़ा सा है, और इसी में फिजिकल एजुकेशन, योगा हो गया, जिम हो गया, मेस भी हम लोग को दिख रहा है यहाँ से। लेकिन अब चलने की हिम्मत नहीं होती, बहुत चल लिए भाई। नहीं, हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में, जाओगे, कोशिश करेंगे कि अंदर से भी हम दिखाएं। ये पूरा ट्रैकिंग करवा दिया भाई, ऊपर नीचे एक बार चढ़ लो ना तो ऐसा लगेगा पहाड़ मैंने चढ़ लिया है। भाई 30 एकड़ में है ये कॉलेज। हाँ, ऑलमोस्ट हमने घूम लिया। इसका जो उस साइड वाला जो है, कहाँ का है, कौन सा एरिया में है दूसरा कैंपस? एक कनकपुरा में है और तीसरा वाला आरोहल्ली में, वो 130 एकड़ में है। 130, उसको तो हम नहीं घूम पाएंगे पूरा, लेकिन जाएंगे वहाँ का भी, वहाँ भी जाएंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। घर बैठे बैठे आप देखोगे कि कैसा कैसा कॉलेज है बैंगलोर में। और आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना, आप हमसे इंक्वायरी कर लो और हम बता देंगे क्या फीस है, क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। अभी आप कॉलेज देखो, मज़ा लो। ये देखिए हॉस्टल सामने, देखिए क्या मस्त हॉस्टल है, ख़तरनाक। और जो मेस भी है ना, काफ़ी क्लासी है मेस उसका, यहाँ से दिख रहा है। नीचे वाला जो है वो मेस का एरिया है। तो भाई ये है हॉस्टल का कॉरिडोर, और आपको हम एक रूम दिखा देते हैं, अटैच्ड वॉशरूम है। ये इनका रूम है, डबल शेयरिंग, 2 बेड वाला, 1 बेड यहाँ है, 1 बेड सामने है, और सामने आपका टेबल लगा हुआ है, बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये कबर्ड है। अच्छा, और ये सब सीनियर जूनियर सबके लिए यही हॉस्टल है, दूसरा भी है, एक ही हॉस्टल है। ये वॉशरूम एरिया है, 2 लाख पर ईयर का फीस भी है भाई हॉस्टल का, विद फूड। 2 लाख पर ईयर मतलब 2-2, 4 लाख एक रूम का, 4 लाख एक साल का। अरे इनकी पूरी पीजी से कमाई नहीं है 4 लाख महीने के, 4 लाख ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है भाई? राफे बिदर ना। चलो ठीक है, ये भाई सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में। जितने रूम हैं सब सेम है, कितना 200 कम समथिंग रूम बताया ना, पता नहीं, कुछ 200 प्लस रूम बताया, सब सेम है, एक ही जैसे, एक ही जैसा है, और सबका सेम फीस है। तो भैया ये आ गए हम लोग मेस के अंदर, और ये है मेस, शकील बैठ गया है, ऐसा लग रहा है साला रेस्टोरेंट के अंदर है, ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठे हैं मेस में, नहीं ये है पूरा मेस। अच्छा, ये हॉस्टल का ही मेस है। लेडीज अलग है, जेंट्स का अलग है। हॉस्टल में 2 लाख में मतलब 2,10,000 के करीब आपका फीस लगेगा एक साल का, उसमें खाना पीना सब इंक्लूड है। बहुत अच्छा है, खाना भी आपको अच्छा मिल रहा है, 3 वक्त स्नैक्स मिलता है शाम में, साथ में आपको प्लेग्राउंड मिल रहा है,
पढ़ा सा, जब मन किया आप खेल लिए, बैडमिंटन खेल लिए, बास्केटबॉल खेल लिए, फुटबॉल खेल लिए, और इतना बड़ा सा पहाड़ मिल रहा है, जब मन किया ट्रैकिंग कर लिए मज़ा के लिए। बाहर में एक फूड ट्रक भी खड़ा है, ये देखिए साइड में आपको दिखता होगा फूड ट्रक है, तो वहाँ भी बहुत कुछ खाने का स्नैक्स अवेलेबल है, अपना खाइए मस्त रहिए। हम लोग कितना देते थे हॉस्टल फीस? 36,000 स्टार्टिंग में, फिर बढ़ते बढ़ते ये लास्ट तक ऑलमोस्ट 20,000 हॉस्टल का फीस था। हाँ। और तुम्हारा 30,000 था मेस का फीस, टोटल 50,000 था। 50? हाँ, 50,000 में खाना पीना रहना सब। हम जो कॉल उसका फीस भी कम था हॉस्टल का भी, लेकिन खाना उसका भी एक नंबर था। 50,000 रुपये हम देते थे, रहना खाना सब कुछ विथ फ्री वाईफाई। हम लोग का तो 2,00,000 में ट्यूशन फीस और हॉस्टल खाना पीना रहना सब हो जाता था। 2,00,000 में हमारा 4 साल का हॉस्टल और मेस का निकल गया था। यहाँ पर ईयर लग रहा है भाई, पर ईयर देखो। अब हमारे वक्त से अभी का वक्त काफ़ी महंगा हो गया है, फिर भी अभी भी हमारा कॉलेज जो है सस्ता है। हमारे कॉलेज में अब ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये लगता है हॉस्टल का ना। हॉस्टल का तो बढ़ा ना, चलेंगे अभी किसी दिन वहाँ भी चल करके। आपको हम अपना कॉलेज भी घुमाएंगे, इतना बड़ा तो नहीं है, इससे छोटा है, लेकिन ठीक है, ठीक है। भाई देखो यहाँ 10-10 लाख रुपये फीस लग रहे हैं पर ईयर के, इतना ज़्यादा फीस है, वहाँ अभी भी कम फीस है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको कम फीस में एडमिशन लेना है, ज़्यादा पैसा डिग्री, तो उनके लिए वो बेस्ट कॉलेज हो सकता है। हाँ, और डिग्री की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको VTU की डिग्री मिलेगी, VTU एक यूनिवर्सिटी है बैंगलोर कर्नाटक का, बहुत फेमस, और वही सेम डिग्री वहाँ से भी मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी। बस ये है कि यहाँ से हम सुन रहे हैं कि प्लेसमेंट भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, जैसा कि हमने जब इंक्वायरी किया तो मैम ने बताया कि प्लेसमेंट यहाँ मिलता है इनका, लेकिन गारंटीड नहीं रहेगा, गारंटीड कहीं नहीं रहता है। दयानंद सागर ऑफ इंस्टीट्यूट का हमने आपको पूरा टूर कराया और दिखाया कि भाई कैसा है कॉलेज बैंगलोर का जो कैंपस है इसका, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको हमने हॉस्टल दिखा दिया, आपको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखा दिए। कुछ अगर डाउट होता है, कुछ अगर आपको पूछना रहता है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट होकर के पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा हम वहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं अगर फीस की बात करूँ, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अलग अलग नए नए कोर्सेज आ गए इसके अंदर, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। तो फीस जो है वो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिसाइड किया गया, और फीस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये डिपेंड करता है आप एडमिशन कब ले रहे हैं। अगर आप पहले आएंगे तो आपका फीस थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा लेट से आएंगे तो फीस बढ़ जाएगा। ये वेरी करता है कि आप एडमिशन कब ले रहे हैं। ज़्यादा सीट खाली रहेगी कॉलेज के अंदर तो फीस थोड़ा कम रहेगा, सीट जैसी फुल हो जाएगा तो फीस भी बढ़ जाएगा। तो ये सारा चीज़ हमने आपको बताया, पूरा कॉलेज का टूर दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर आपको जानना है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर पूछिए, तो और भी जो भी डिटेल्स से वो हम आपको वहां पे 1-to-1 हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आने वाले हैं किसी दूसरे कॉलेज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। कॉलेज का सीरीज हमारा स्टार्ट हो गया है हमारे शाही व्लॉग चैनल पे, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर यहां तक देखे हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।